हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी एच यू पाठशाला दिस इज नेहा हेयर एंड है वन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल इस वीडियो में हम जियोग्राफी की भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल सो प्लीज़ डू लाइक एंड डू सेयर येस जस्ट फॉर मोटिवेशन एवरी वन मस्ट लाइक दिस वीडियो एंड फॉर योर फ्रेंड्स हेल्प एवरी वन मस्ट सेयर दिस वीडियो ओके वेल हेयर आवर फर्स्ट क्वेश्चन बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है बाई वॉट नेम इज़ द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन आफ्टर इंटरिंग बांग्लादेश बांग्लादेश में जब आपकी ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है तो उसको किस नाम से जानते हैं उसको हम जानते हैं जमुना नदी के नाम से वेल well, यहाँ पे और पॉइंट्स हैं देखिए जब आपकी यही ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में इंटर करती है तिब्बत में इंटर करती है तब हम इसको सांगपुर नदी के नाम से जानते हैं ठीक है और जब यही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तब इसे हम दिहांग नदी के नाम से जानते हैं दिहांग नदी ओके और जब यही ब्रह्मपुत्र नदी आपके बांग्लादेश में इंटर कर रही है तब इसको हम जुमुन नदी के नाम से जान रहे हैं ध्यान रखेंगे नौ यहाँ पे हमने बात की है इंडियन रिवर्स की राइट यहाँ पे हमने बात की है इंडियन रिवर्स की तो एक बार हम इंडियन रिवर्स को कवर कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड देखिए आपका जो इंडियन रिवर है आपको पता है कि भारत की नदियाँ चार आ, फोर पार्ट्स में डिवाइड है राइट फर्स्ट आपका हो गया जो हिमालय से निकलती हुई नदियाँ हैं सेकेंड आपकी पेनसुलर रिवर्स हो गई तटवर्तीय क्षेत्र वाली नदियाँ हो गई ओके आई मीन थर्ड आपकी तटवर्ती वाली हो गई सेकेंड आपकी प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपनोसुलर रिवर्स हो गए एंड आपका हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हो गई इसमें एक पॉइंट हाँ ये आपका जो पेनिसुलर रिवर है आपको पता है पेनिसुलर एरिया कौन सा होता है भारत का जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो इसको हम लोग पेनिसुलर एरिया बोलते हैं प्रायदीपिया देखिए और यहाँ पे जो आपकी नदियाँ हैं सब ये सब आपकी पेनिसुलर रिवर ओके वेल आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है भारत की कौन कौन सी नदियाँ हैं प्रमुख प्रमुख जो नदियाँ हैं और उनका उद्गम स्थल क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपका फर्स्ट नदी आ जाता है सिंधु नदी देखिए अगर सिंधु नदी की हम बात करते हैं तो सिंधु नदी जो है आपका ये मानसरोवर झील से निकलती है मानसरोवर झील इसका उद्गम स्थल है सिंधु नदी आपको पता होना चाहिए चीन भारत और पाकिस्तान में बहती है ठीक है अब अगर हमने सिंधु नदी की बात की है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेट आ जाता है सिंधु नदी से रिलेटेड 1960 का सिंधु जल समझौता अब क्या होता है कि देखिए चीन भारत पाकिस्तान तीनों देशों में सिंधु नदी बह रही है अब यहाँ पर ये इसका कितना जल कौन सा देश यूज करेगा इसको लेकर के ये जल समझौता होता है ठीक है अभी यहाँ पे हमने सिंधु नदी की बात की तो सिंधु नदी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसकी सहायक नदियाँ डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इनमें से सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है या फिर ये नदी किसकी सहायक नदी है देखिए सिंधु नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो आपका आ जाएगा चेनाब झेलम रावी व्यास ओके और सतलुज ये सभी जो नदियां हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं चेनाब झेलम रावी व्यास सतलुज ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है इसका उद्गम है अगर हम नेक्स्ट नदी देखें तो नेक्स्ट हमारी नदी है भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है गंगा ठीक है अब देखिए जो गंगा है अगर हम बात करें निकलती कहाँ से है तो देखिए ये जो है आपका ये अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों नदियों के संयुक्त को हम संयुक्त रूप को हम गंगा नदी बोलते हैं अब आपका जो हिमानी इससे निकलता है आपका अलग निकलती है अलकनंदा नदी हिमानी से और भागीरथी निकलती है गौमुख से और जब ये दोनों देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं तब यहाँ पे ये इसको हम गंगा बोलने लगते हैं ध्यान रखेंगे ओके अगर हम गंगा नदी के सहायक नदियों की बात कर ले यमुना कोसी सोन नदी गोमती नदी दामोदर नदी घाघरा ठीक है गंडक ये सभी सहायक नदियां हैं गंगा नदी की ध्यान रखेंगे ठीक है अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नदी आपकी और है मतलब इसकी सहायक नदी में यमुना नदी अब यमुना से अगर हम लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएं तो यमुना का जो पहले इसको हम कालिंदी के नाम से भी जानते थे तो कालिंदी आप ध्यान रखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा यमुना का प्राचीन नाम तो कालिंदी यमुना का प्राचीन नाम है यहाँ पे एक नदी हमने देखा कोसी हम गंगा की जो है सहायक नदी है बिहार का शोक बोला जाता है कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है ठीक है इसका उद्गम कहाँ है तो ये नेपाल के हिमालय से निकलती है आपकी कोसी नदी ओके okay. ध्यान रखेंगे आप ये आपकी कुछ नदियाँ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए और भी बहुत सारे आपकी नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पा रही बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिस सेट राइट इट्स अ प्रैक्टिस एट एंड प्लीज सी दिस वीडियो इज ओनली फॉर प्रैक्टिस हे आई हैव नॉट एक्सप्लेन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है फ्रॉम विच रिवर डज द सिर कैनाल ड्रॉ वाटर ये सतलुज नदी से जो आपकी सरहिंद नहर है वो सतलुज नदी से पानी लेती है ठीक है सतलुज नदी अभी हमने सतलुज नदी के बारे में डिस्कस किया था सतलुज नदी जो है वो आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलुज नदी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है विच इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम आपको पता है आपके सोलर सिस्टम में टोटल एट प्लान हैं राइट right? कौन कौन से है? Mercury, Mars, Venus, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus, okay? हैं मर्करी मार्स वेनस अर्थ जुपिटर, सैटर यूरेनस एंड नापचुन ओके ये आपके टोटल एट प्लैनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम में अब यहाँ पे हमने बात की है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है वो है आपका वरुण ओके अगर हम बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी को हम ब्लू प्लानट नीला ग्रह भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा वाटर है अगर हम बात करें शुक्र को तो शुक्र देखिए ये आपका सबसे गर्म ग्रह कह लो आप और सबसे चमकीला ग्रह वो आपका शुक्र ग्रह है अगर हम बात करें मंगल ग्रह की तो मंगल ग्रह को हम लोग रेड प्लैनेट कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है ओके और वही अगर हम बात करें अदर फैक्टर्स जस्ट लाइक सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो ये आपका है मरकरी और अगर हम बात करें सबसे पास कौन सा ग्रह है सन की तो देख रहे हो आप सबसे पास में मरकरी है राइट ओके सो वेल आप हमें एक क्वेश्चन बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है और एक और क्वेश्चन आपसे है आप मुझे बताइए सूर्य से सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है राइट नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान ओके okay? अगर हम बात करें राजस्थान का कैपिटल तो ये आपका जयपुर में है अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है सबसे स्मॉल वो है आपका गोवा ठीक है अगर हम यहाँ पे और भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जस्ट पॉपुलेशन यस यहाँ पे हमने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात की है अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है वो आपका यूपी हो जाएगा और अगर हम सेकेंड नंबर पर बात करेंगे तो सेकेंड नंबर पर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र ठीक है और अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य तो वो आपका हो जाएगा सिक्किम जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे हमने बताया और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा राइट नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कर्क रेखा देखिए ये आपके भारत के टोटल एट राज्य को काटती है ठीक है टोटल एट राज्य जो है उनको जो आपकी कर्क रेखा है ये काटती है वो राज्य कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे देखो तो फर्स्ट आपका है गुजरात सेकेंड आपका है राजस्थान थर्ड आपका है मध्य प्रदेश फोर्थ आपका हो गया छत्तीसगढ़ देन आपका है झारखंड देन आपका है वेस्ट बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम ओके तो इसमें से कौन सा स्टेट आपका आ रहा है झारखंड, पंजाब उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश इन्हें नहीं काटती है कर्क रेखा झारखंड को काटती है कर्क रेखा ठीक है तो ये आपके थे राज्य आठ राज्य जिनको कर्क रेखा काटती है अगर हम बात कर लें कि कर्क रेखा किस किस देश को काटती है तो पहला तो आपका भारत हो गया दूसरा है आपका बांग्लादेश मैक्सिको चीन और म्यांमार ये पांच देश को आपकी कर्क रेखा काटती है और भारत के आठ राज्य को कर्क रेखा काटती है नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस देखिए भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है तो वो नदी है आपकी माही नदी जो आपकी माही नदी है वो कर्क रेखा को दो बार काटती है राइट right? नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा यहाँ पे हमने बात की है आपकी रेखा की यहाँ पे मैं आपको बताऊं देखिए आपका जो ये ग्लोब इस तरीके से होता है तो यहाँ पे आपका हो जाता है ओके ये भूमध्य रेखा आपकी हो गई कर्क रेखा हो गया आपका ये मकर रेखा हो गया ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री ओके ऊपर आपका ये कर्क देन मकर ये भूमध्य जीरो डिग्री पे और बीच में यहाँ पे आपकी ये लाइन होती है ग्रीनविच लाइन इसे हम लोग कहते हैं जीरो डिग्री देशांतर ग्रीनविच लाइन ये जो ग्रीनविच लाइन है ना ये आपकी कर्क रेखा मकर रेखा को कहाँ पर काटती है ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो आप देखो ये जो ग्रीनविच लाइन है ये आपकी ये जो आपका ऊपर कौन सा लाइन है ये कर्क रेखा कर्क रेखा को यहाँ पे काटती यह अल्जीरिया पर काटती है भूमध्य रेखा को ये गिनी की खाड़ी ठीक है गिनी की खाड़ी पर काटती है उसके बाद आपका आता है कर्क सॉरी मकर रेखा मकर रेखा को ये अटलांटिक सागर पर काटती है ग्रीनविच लाइन पॉइंट इंपॉर्टेंट है मुझे याद आया आप याद रखोगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कौन सी पर्वत चोटी भारत में सबसे पुरानी है व्हिच माउंटेन पीक इज द ओल्डेस्ट तो ये आपकी चोटी है अरावली चोटी ठीक है अरावली चोटी जो है ये आप ये आपकी जो पर्वत श्रेणी है ये भारत की जो है सबसे पुरानी है ठीक है ध्यान रखेंगे नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं वॉट इज द कोस्टल लैंड ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु काल्ड देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं

तो के टू जो है ये सेकेंड सेकेंड हाईएस्ट जो है आपका ये माउंटेन है अर्थ पर और अगर हम फर्स्ट की बात कर लें तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट है और सेकेंड के टू के टू कहाँ पर है एशिया में पड़ता है और एशिया में भी कहाँ पर पड़ता है ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लोकेट होता है ठीक है के टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है ऑन रिवर इज द जोग फॉल्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक ये आपका है सरावती नदी पर सरावती नदी आपकी कर्नाटक में बहती है और कर्नाटक में सरावती जो नदी है उसके ऊपर जो प्रपात आपका स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन तारों का रंग सूचक है स्टार कलर इंडिकेटर तो स्टार कलर जो है आपका टेम्परेचर इंडिकेटर है नेक्स्ट क्वेश्चन 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं 23.5 थ्री पॉइंट फाइव नॉर्थ एटलेटिट्यूड लाइन इज कॉल्ड 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा और वही 23.5 दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं मकर रेखा ओके okay? अगर हम बात कर ले भूमध्य रेखा की तो इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं ओके okay? 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क कर रेखा एंड 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है विथ विच कंट्री डिया स्टेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर देखिए किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ टोटल जो है इंडिया के पांच राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को शेयर करते हैं और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है इकलौता ऐसा देश है जो भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी सीमा है उनसे चिपका हुआ है ठीक है अब ये राज्य कौन कौन से हैं जिन जिनसे बांग्लादेश चिपका हुआ है वेस्ट बंगाल त्रिपुरा असम हो जाते हैं आपका फिर मिजोरम है और उसके बाद आपका मेघालय है इन पांच राज्यों से बांग्लादेश जो है भारत के इन पांच राज्यों से चिपका हुआ है ओके अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि इंडिया के टोटल ऐसे कितने राज्य हैं जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब देश के साथ बांटते हैं तो वो हैं आपके टोटल इलेवन कंट्रीज जिनमें से अगर हम बात करें सेवन आपके स्थलीय हो जाते हैं और चार आपके जलीय जलीय मतलब ये नीचे वाला जो आपका एरिया है जहाँ इधर जल आपको दिख रहा है इसकी बात की जा रही है और सात आपके ऊपर वाले जो है इनकी बात की जा रही है ओके अब देखिए जलीय सीमा और आपका जो है स्थलीय सीमा ये आपके स्थलीय सीमा में सात राज्य और जलीय सीमा बांटने वाला जलीय बॉर्डर बांटने वाले फोर हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम करते हैं हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा भारत का जो है आपका देश ऐसा है जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है सबसे कम लगती है वो देश है आपका अफगानिस्तान अफगानिस्तान जस्ट क्वेश्चन का अपोजिट देन आंसर हो गया आपका अफगानिस्तान यहाँ पे हमने लाइन बॉर्डर की बात कर ली एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है भारत और चीन को कौन सी जो अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है जो सेपरेट करती है उस लाइन को क्या कहते हैं मैकमोहन कहते हैं सर मैकमोहन जी के द्वारा बनवाई गई। फिर आपका भारत और पाकिस्तान को जो लाइन काटती है आई मीन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है आपकी रेड क्लिफ इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान की बात की हमने तो इसको इसके बीच में जो कौन सी लाइन है वो आपकी डुरंट रेखा है लाइन ठीक है ये भी ध्यान रखेंगे इम्पोर्टेंट है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है इंडिया एक्टिव वॉल बैरन आइलैंड लोकेटेड ये आपका अंडमान द्वीप पर लोकेटेड है अंडमान द्वीप पर है ये ओके भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ये अंडमान द्वीप पर है यहाँ पे हमने बात की है ज्वालामुखी की वॉल कैनों की आपको हम बता दें ज्वालामुखी थ्री टाइप के होते हैं सक्रिय एक्टिव प्रसुप्त कहते हैं हिंदी में इंग्लिश में डोरमेंट और शांत और इंग्लिश में डेड ये थ्री टाइप्स के होते हैं एक्टिव डोरमेंट डेड सक्रिय प्रसुप्त शांत ये थ्री टाइप की आपकी ज्वालामुखी वॉलैनों होती हैं ओके ध्यान रखना है क्वेश्चन आपसे जस्ट आज करता है ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर है सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो ये आप ध्यान रखेंगे कि जापान में सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्नो है क्वेश्चन करेगा सबसे एक्टिव वॉल्केनो है कौन सा वो है आपका किलाम अब आपसे क्वेश्चन कर सकता है सबसे एक्टिव वॉल्केनो जो कि सबसे ऊंचा भी है एक्टिव होने के साथ वो आपका कोटोपैक्सी है कोटोपैक्सी ओके यहाँ पे हमने बात की थी कौन से ज्वालामुखी की बैरन द्वीप ज्वालामुखी की तो देखिए जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है ये आप ध्यान रखना तीन किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई आपको हम बताएं एक्यूरेट थ्री फिफ्टी फोर मीटर इसकी हाइट है ध्यान रखेंगे ये डाटा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है बिच पास इज सिचुएटेड इन द सतलुज रिवर वैली सतलुज नदी घाटी में सिप किला दर्रा सिप किला दर्रा स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पैनेसोलर इंडिया पैनेसोलर इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है विच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया वो है आपकी बैमनाथ झील वैमनाथ झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें चिल्का झील की इम्पोर्टेंट है देखिए चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है यहाँ पे हम बात चिल्का झील की कर रहे हैं ओके और ये चिल्का झील पड़ती कहाँ पर है जी ये ओडिशा में पड़ती है भारत की सबसे बड़ी झील सेकेंड हम का लोनार झील है तो लोनार झील की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ती है फिर आपका पुलिकट झील है तो अगर हम बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ती है और ओके ये आपको ध्यान रखना है और जो आपकी वेमनाथ झील है ये आपकी केरल में पड़ती है ओके okay. ध्यान रखेंगे कौन सी झील कहाँ है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है विच इज द लॉन्गेस्ट लेकिन इंडिया जो आपकी मरुस्थल में बहती है वो है आपकी इंग्लिश टाइपिंग मिस्टेक है आप ध्यान देंगे क्वेश्चन आपका है भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है तो वो है आपकी लूनी नदी ओके okay? ध्यान रखेंगे लूनी नदी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है देखिए मैंने आपको बताया था इंदिरा जो नदियां होती हैं उनका उद्गम स्थल पूछता है तो इंदिरा गांधी नहर की यहाँ बात हो रही है तो इसका उद्गम स्थल हर के बैराज हर के बैराज आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है भारत का सबसे लंबा नहर कौन सा है इंदिरा गांधी नहर नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारती किस राज्य में स्थित है इंडिया इज मोस्ट फेमस यूरेनियम माइन जादूगोरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ये आपका झारखंड में है झारखंड राज्य में जो है आपका भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा मौजूद है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है जी हमने आपको बताया सांगपो किस नदी को कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में एंटर करती है तो उसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सांभर झील भारत में भारत के किस राज्य में स्थित है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सांभर लेक लोकेटेड ये भारत के राजस्थान में है सांभर झील अगर हम बात कर यहां ले यहाँ पे सांभर झील रिलेटेड तो देखिए सांभर झील जो है ये आपका कहाँ पर है राजस्थान में है और ये सॉल्टी है काफ़ी ठीक है इसको हम लोग सॉल्ट झील भी कहते हैं सॉल्ट लेक के नाम से भी जानते हैं ध्यान रखेंगे अच्छा हरियाणा की अगर हम झील की बात करें तो यहाँ पे एक झील है दमदमा झील हरियाणा में एक झील पड़ता है दमदमा झील ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो दमदना झील है हरियाणा की वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ध्यान रखेंगे इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की झील की देख लें तो ये आपकी भीमताल भीमताल भीम ताल यहाँ पर सबसे बड़ी झील है ठीक है उत्तराखंड की उत्तराखंड में पड़ती है है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एन एच फोर्टी फोर है नेशनल हाईवे फोर्टी फोर ओके पृथ्वी से आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा हु फर्स्ट सो गंगा फ्रॉम अर्थ देखिए पृथ्वी से आकाश गंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था जिनका दिमाग जीनियस होगा वही देख पाएंगे वरना हमारे तो सामने भाई कुछ रख दो हम तो हमें तो दिखता नहीं है राइट <laughs> ध्यान दीजिए ओके नेक्स्ट डेथ वैली निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है डेथ वैली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स ये मोजाम्बो मरुस्थल में स्थित है डेथ वैली नेक्स्ट क्वेश्चन मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है वेयर इज मैगलन जल डमरू सेंट्रल लोकेटेड देखिए वाटर स्ट्रेट की बात की जा रही है मैगलन वाटर स्ट्रेट कहाँ पर है ये आपके प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच में का है देखिए स्ट्रेट्स क्या होता है बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा वर्ड आपका जल डमरू मध्य क्या होता है जब टू आपकी जो है दो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज को एक आपकी ये पतली सी जो है ये आपका वाटर हो गया ठीक है ये आपका वाटर है इधर आपका वाटर है ये वाटर है और ये आपकी जो है ये वाटर नहीं है आपका ठीक है ये आपका वाटर पूरा बह रहा है और जब इस दो हैवी वाटर बॉडीज को एक आपकी जो है कोई पतली नैरो वाटर बॉडी जब जोड़ती है जस्ट लाइक ये आपकी जोड़ रही है ना ये जोड़ रही है आपकी इसको जब हम कहते हैं स्ट्रेट्स ठीक है क्षेत्र अधिकार में आता है ग्रीन लैंड जो है आपका ये डेनमार्क के क्षेत्र अधिकार में आता है ठीक है ग्रीन लैंड की बात हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है मानस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर मैंने आपको बताया डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कौन सी नदी सहायक नदी किसकी है ऑप्शन मैंने टिक नहीं किया है तो आप मुझे बताइएगा दिस इज़ फॉर योर टेस्ट ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी ध्यान रखेंगे ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है विच प्लेटू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंज रीजन ये आपका मालवा का पठार है जो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पैगोंग झील कहाँ स्थित है वेयर इज पैगोंग लोकेटेड पैगोंग झील लद्दाख में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है विच पोर्ट इज कॉल्ड द स ऑफ पार्सियन ये आपका कांडला को कहा जाता है कांडला का जो बंदरगाह है उसको बंटवारे का पुत्र कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है विच टनल कनेक्ट इटली एंड फ्रांस ये मॉन्ट ब्लाक सुरंग जो है वो इटली और फ्रांस को जोड़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनोस इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ये स्ट्रॉम्बेली को बोला जाता है स्ट्रॉम्बेली को जो है स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है विच इज ये आपकी काली मिट्टी है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी नेक्स्ट क्वेश्चन दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेटीट्यूड लाइन दो लैटिट्यूड लाइन के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है वो आपकी होती है वन हंड्रेड इलेवन किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है वॉट इज द पिंक रिवोल्यूशन रिलेटेड टू जो आपका पिंक रिवोल्यूशन है वो आपकी प्याज से कनेक्टेड है प्याज उसका संबंध प्याज से है ठीक है प्याज प्रोडक्शन से है नेक्स्ट क्वेश्चन संग मर्मर किस प्रकार की चट्टान है वॉट टाइप ऑफ रॉक्स इज मार्बल संग मर्मर जो है आपकी कायांत्रित जो है टाइप की है देखिए अग्नि आपका एग्नियस रॉक हो गया कायंत्रित आपका मेटामोफिक हो गया ठीक है और साथ आपका सेडिमेंटरी इंग्लिश में मैंने बोला बिकॉज ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अग्नि इग्नियस कायनेत्री मेटामॉर्फिक और और साथ आपकी कौन सी हो गई ओके okay, तो ये आपकी थ्री है रॉक्स के टाइप नेक्स्ट भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है इन विच इंडियन स्टेट इज द मैकाल माउंटेन रेंज लोकेटेड पंजाब नो no. छत्तीसगढ़ यस छत्तीसगढ़ में भारत का जो है मैकाल पर्वतमाला स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड तो विश्व का जो आपका सेकेंड है वो है गॉडविन आस्टीन ओके गॉडविन विन आस्टीन ध्यान रखेंगे और फर्स्ट कौन सा है माउंट एवरेस्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप जो है असम में स्थित है ओके okay? असम में केरल के तट को क्या कहते हैं वॉट इज द कोस्ट ऑफ केरला कार्ड केरल के तट को मालावा तट कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले उसके स्थान पर कौन सी जगह स्थित थी

वेस्ट बंगाल में ये स्थित है मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है जियोग्राफी का डेली डोज में आप देख सकते हो सोलर सिस्टम टाइगर रिजर्व इंटरनेशनल रिवॉल्यूशंस, दैन आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ओके एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदरबन टाइगर रिजर्व आपके वेस्ट बंगाल में है पेरिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है इन विच स्टेट इज पेरिया टाइगर रिजर्व लोकेटेड पेरिया टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है टाइगर रिजर्व रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको डेली डेढ़ में प्रोवाइड किया है प्लीज वॉच दिस दिस वीडियो वीडियो एंड फॉर दिसक्स चेक आउट कमेंट सेक्शन बिकॉज दे आई हैव बीन ऑल द वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है पन्ना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन मध्य प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन बिंग बैंक थ्योरी सिद्धांत किस से उद्भव दो की व्याख्या करता है द बिंग बैंक थ्योरी एक्सप्लेन टू ब्रह्मांड के बारे में बिंग बैंग थ्योरी सिद्धांत जो है आपका उद्भव दो की व्याख्या करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तारों के मध्य दूरी याद करने की इकाई क्या है वॉट इज द यूनिट ऑफ फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स वो आपका लाइटियर प्रकाश वर्ष है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है वॉट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर जो है दूरी अभी हमने आप देखा ऊपर दूरी को मेजर करने की यूनिट है नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है बिटवीन विच टू प्लानिट्स इज द अर्थ लोकेटेड पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है ठीक शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है हमने देखा गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का वही बड़ा जो था राजस्थान था नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की सात बहनों का सदस्य है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ द सेवन सिस्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वो है आपका त्रिपुरा ठीक है त्रिपुरा राज्य नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय मानक समय की रेखा भारतीय किस राज्य से नहीं गुजरती है देखिए भारतीय मानक समय रेखा जो है पंजाब से नहीं गुजरती है ये आप ध्यान रखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन डजन पास थ्रो विच स्टेट ऑफ इंडिया पंजाब नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य बोला गया है या आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह व्हिच इज द लार्जेस्ट यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का सातवां जो है स्थान है नेक्स्ट क्वेश्चन खैबर दर्रा कहाँ स्थित है वेयर इज खैबर पास लोकेटेड खैबर दर्रा पाकिस्तान में है खैबर दर्राज पाकिस्तान में पॉपुलर है फेमस है इसलिए हमने नाम मेंशन किया नेक्स्ट क्वेश्चन अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है हमने आपको बताया अलकनंदा और भागीरथी ओके okay. अलकनंदा हिमानी से एंड जो आपकी भागीरथी गौमुद से ये दोनों आकर मिलती हैं देवप्रयाग में और यहाँ पे बनाती हैं गंगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका कैलाश पर्वत ठीक है सिंधु नदी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पोंग बांध किस नदी पर स्थित है ऑन विच रिवर इज द पोंग डैम लोकेटेड ये व्यास नदी पर स्थित है पोंग डैम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम लोकेटेड हीराकुंड जो है महानदी पर लोकेटेड है महानदी पर हीराकुंड बांध है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में

किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डायमंड माइंस आर फाउंड ये पन्ना ठीक है पन्ना जिले में ओके मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खान पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन तालजर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है इन विच इंडियन स्टेट इज द तालचेर कोल माइन लोकेटेड ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है इन विच माउंटेनियस पार्ट इस पिपली घाट पास लोकेटेड ये अरावली पर्वत पर है पिपली घाट दर्रा जो है अरावली पर्वत भाग में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है विच हिल स्टेशन इज नोन एज द क्वीन ऑफ सतपुड़ा ये पंचमढ़ी को कहा जाता है पंचमढ़ी को पर्वतीय स्थल की जो है सतपुड़ा की रानी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लैनिट्स डू नॉट है दो ये प्लैनेट्स हैं आपके बुध और शुक्र जिनके पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है पृथ्वी के सैटेलाइट का क्या नाम है जस्ट कमेंट ऑन लाइव चैट नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम शुक्र नेक्स्ट क्वेश्चन शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है धूमकेतु तो किसकी ओर चक्कर लगाते हैं कमेट्स रिवॉल्व अराउंड धूमकेतु सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं धूमकेतु तो भी सूर्य के चारों तरफ ही चक्कर लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है विच इज द हॉटेस्ट प्लान इन द सोलर सिस्टम वो है आपका शुक्र सबसे चमकीले सबसे ज्यादा रोशनी पड़ रही है और ये सबसे गर्म होता है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरुण की अरुण ग्रह की खोज किसने की थी हु द प्लैनेट यूरेनस यूरेनस की खोज जो है विलियम हर्सेल ने की थी यूरेनस की खोज विलियम हर्सेल ने की, की हर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिफ्ट वैली के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है वॉट टाइप ऑफ माउंटेन्स आर फॉन्ड बाई द राइज ऑफ द लैंड इन द मिडल ऑफ द रिफ्ट वैली रिफ्ट वैली के बीच में भूमि के ऊपर उठने से ब्लॉक पर्वत ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है ब्लॉक पर्वत ठीक है। Next question है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नदी का पुल जहाँ पर सादर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं द ब्रिज ऑफ द रिवर वेयर देअर इज द इफेक्ट ऑफ टाइड एंड क्या लिखा है मैंने टाइड Is वो है आपका स्थ्योरी देखिये आप ध्यान रखिए नदी का पुल जहाँ पर सादर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे हम इस नदी मुख कहते हैं ठीक है हिंदी वाला ध्यान दीजिएगा थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा वॉट विल्स वी द डिफरेंस इन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ तो ये कम होगा ठीक है ये कम होगा ग्राविटी पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा वो कम होगा क्वेश्चन है हमारा कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है विच स्ट्रेट सैपोरेट अमेरिका फ्रॉम रसिया बेरिंग जल बेरिंग स्ट्रेट जो है अमेरिका को रशिया से अलग करता है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है स्ट्रेट द द पैसिफिक पैसिफिक यस टू इंडियन ओशियन है आपका मलक्का जल मध्य जो मलक्का स्ट्रेट है वो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं पहाड़ियों पर मिलते हैं। Next question. भारत में मुगा रेशम के एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है मतलब मुगा राज्य जो है मुगा जो है ये आपका रेशम ये भारतीय केवल एक ही राज्य में ग्रो कराया जाता है और अभी उसकी नीट है ये आपका असम में ठीक है असम राज्य में मूगा रेशम की जो है उत्पादन कराया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भितरकर्णिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है इन विच स्टेट इज द भितरकर्निका मैंग्रोव लोकेटेड ये ओडिशा में है भितरकर्णिका मैंग्रोव जो है ओडिशा में है नेक्स्ट क्वेश्चन दामोना नदी का उद्गम स्थल क्या है वॉट इज द ओरिजिन ऑफ दामोदर रिवर हमने आपको बताया डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है उद्गम स्थल तो ये आपका छोटा नागपुर दामोदर नदी का उद्गम स्थल है है छोटा छोटा नागपुर नागपुर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है छोटा नागपुर पठार काफी फेमस है किस लिए फेमस छोटा नागपुर प्लेटो ये खनिज के लिए फेमस है छोटा नागपुर पठार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डारिया नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है ंग दारिया नूर ये भारत की गोलकोंडा खदान से निकला हीरा है जिसे हम डारिया नूर के नाम से जानते हैं भारत की गोलकोंडा खदान से निकला हीरा जिसे हम नूर के नाम से जानते हैं ही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है विच इज दाइस्ट माउंटेन पिकिंग इन वेस्टर्न घाट एंड द हाइएस्ट मूवमेंट इन साउथ इंडिया वो है आपका अन्नामुरी चोटी अन्नामुरी चोटी जो है आपकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है अन्नामुरी चोटी नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इंद्रावती हाइड्रोलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड वो आपका ओडिशा में है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना जो है भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है विच इज़ द लार्जेस्ट वाटर फ्लो सिस्टम ऑफ़ डेकल प्लेटू ये है आपका गोदावरी नदी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लीज़ एवरीवन डू लाइक दिस वीडियो वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज द ओजोन लेयर जो है वो लेताप मंडल में पाया जाता है ओके एटमोसफियर एटमोस्फेयर पर वीडियो प्रोवाइड की गई है विजिट कीजिए उसको वायुमंडली किस परत में ओजोन परत पाई नहीं जा, पाई जाती है वो है आपका समताप मंडल ध्यान रख समताप मंडल ठीक है ध्यान रखना है आपको ये आप चीज़ों को भूलिए नहीं छोटे छोटे चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोलर सिस्टम एटमॉस्फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है वेयर इज़ द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड ये आपका देहरादून में है भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में सिचुएटेड आई मीन लोकेटेड है मतलब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अमरावती जलाशय भारतीय किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है अमरावती रिजर्वियर जो है वो लोकेटेड इन विच इज नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण में जो है अमरावती रिजर्वियर जो है वो है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज टाइट्स हैज द लोएस्ट हाइट वो है आपका निम्न ज्वार निम्न ज्वार जो है आपका निम्न ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है निम्न ज्वार ध्यान रखना है ठीक है well, no हमारा पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपनी धुरी पर पृथ्वी से पूर्व घूमती है ठीक है पृथ्वी से स्टार्ट होती है और पूर्व की तरफ घूमती है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन संचार उपग्रह वायुमंडल की विश्व परत में अधिवस्थित होते हैं इन विच द एटमोस्फेयर आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड वह है आपका आयन मंडल आयन मंडल ठीक है आयन मंडल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंपॉर्टेंट फैक्ट राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है वेयर इज़ द नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड यह आपका करनाल में है राष्ट्रीय देरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है सो so, वेल well, आपको वीडियो समझ में आ गई होगी इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी डाउट एंड एनी क्वेश्चन इन एनी ऑफ द टॉपिक देन जस्ट गो थ्रू आवर लेक्चर्स ओके गो थ्रू आवर प्ले लिस्ट एंड इसमें आपको जियो के सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे आप वन बाई वन फॉलो कीजिए जस्ट टू टू थ्री मिनट्स में आपके रेलोज कम्प्लीट होते हैं एंड जो उसमें वीडियो बताई जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए ओके okay? होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी एंड सो प्लीज़ लाइक एवरी वन एंड सब्सक्राइब और चैनल भी अच्छी अला एंड ओके बाय